वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम बनाने वाले बासमती राइस वाली खीर, जो कि 65 रुपीस में मैंने अमेजोन से ये ले ली है। ये गिट्स का पैकेट है, रेडी टू कुक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर आया है एक पाउच जिसके अंदर सारे इन्ग्रीडियंट है, यानी आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से कुछ भी नहीं। आपको सबसे पहले 650 ml मिल्क ले लेना है, यानी कि दूध। फिर इसको थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद में इस पैकेट के अंदर जो भी है वो सब कुछ इसमें डाल देना है। फिर इसको आपको 15 मिनट के लिए पकाना है, आप मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स, चीनी सब इंक्लूड है। जो चावल है उसके छोटे छोटे पीसेस हैं, बड़े चावल नहीं हैं, छोटे छोटे पीस हैं। और ये केसर है, ड्राई फ्रूट्स एकदम ऑप्शनल है, मैंने इसको यूँ ही ऐड किया क्योंकि मुझे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐड नहीं करना है, इसको 15 मिनट के लिए आप इसको पकाइए, या आपको जैसी खीर पसंद है उतनी देर तक पकाइए, एंड उसके बाद में आप इसको सर्व कीजिए। मैंने इसको कुछ अलग ढंग से सर्व किया है, तो आप ज़रूर देखिए। और ये खाने के बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और ये बहुत गिट्स के सारे पैकेट में जो भी आता है वो सारा अच्छा ही होता है। तो इसको फिर मैंने ग्लास में गरम गरम इसको डाला, फिर सबके लिए मैंने ग्लासेस रेडी कर दी ठीक इसी तरीके से। एंड इसके बाद में आप इसके ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसके बाद गर्मा गर्म। हाँ, एक और बात, आप चाहें तो आप इसको ठंडी करके भी पी सकते हैं, ये ठंडी भी बहुत ही टेस्टी होगी। तो आप मुझे बताइए आप कैसे इसको पीने वाले और ये कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।